मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग में ठीक ना घड़ी सॉल्व कर रहे हैं, और पहला टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पहले टाइप में हमने आपको बताया था कि हम वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वहां पे हमने इजीली ये देखा था कि जब भी हमसे ठीक ना मिरर इमेज का जिक्र करेगा तो वहां पे हम लोग 12 आवर में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और जब हमसे वाटर इमेज का जिक्र करता है तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, 18 आवर्स 30 मिनट से हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइंड कर लेते थे आंसर। चलिए आज हम लोग दूसरा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, तो दूसरे टाइप में हम लोग ये देखेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा टाइप? एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि कोण ना, कोण से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो कोण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए। घड़ी आपकी कुछ इस तरीके से होती है, और घड़ी में आप जानते हैं कि ये आपका कुछ इस तरीके से सिंबल डिनोट किया रहता है। ये आपका 12 हो जाएगा, ये 6, ये 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। ये भी आपको पता है कि कोई भी जो आपकी ठीक ना आवर्स वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई हो गई, और सेकेंड वाली सुई हो गई, ये कंप्लीट एंगल जो बनाती हैं, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर घूम लेती हैं तो 360 डिग्री का ये क्या बनाती हैं, कंप्लीट कोण बनाती हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि मिनट वाली सुई कितना ठीक ना डिग्री का एंगल बनाती है, और जो आपकी आवर्स वाली सुई होती है वो कितने डिग्री की, या सेकेंड वाली सुई जो होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो जो आपकी घंटे वाली सुई होती है ये कंप्लीट जो चक्कर लगाती है, आपको पता है कि वो 12 घंटे में ठीक ना एक बार कंप्लीट वो घूमती है, मतलब कि 360 डिग्री वो क्या करती है, 12 घंटे में घूमती है। यहाँ से देखिएगा, अगर 1 घंटे का आप निकालना चाहें तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप पाएंगे तो क्या पा जाएंगे, तो 1 घंटे में ठीक ना ये कितना 30 डिग्री। फिर यहाँ से देखिएगा, अगर मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 30 30 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए आप, 1 मिनट में ये जो आवर्स वाली सुई है आपकी वो कितना हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाफ ना। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकला आपका कि जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो क्या करती है, प्रति मिनट ठीक ना वो आधा मतलब हाफ डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। जो आवर्स वाली ठीक ना जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है मेरे भाई, आधा डिग्री का। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें तो जो आपकी मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई जो आपकी होती है वो कंप्लीट जो चक्कर लगाती है वो 60 मिनट में लगाती है, और ये कितना, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में अगर आप देखना चाहें तो 1 मिनट में ये जो कंप्लीट एंगल बनाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6। मतलब कि मिनट वाली जो आपकी डिग्री होती है, मिनट वाली जो आपकी सुई होती है वो क्या बनाती है, 6 डिग्री प्रति मिनट ये क्या बनाती है, एंगल बनाती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हमसे आवर्स वाली सुई का जिक्र करेगा तो वो क्या बनाता है, प्रति मिनट ठीक ना हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, और जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप सेकंड का जिक्र करते हैं तो सेकंड वाली जो सुई होती है वो प्रति मिनट 360 डिग्री का ये क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक ना, ये छोटा छोटा कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको पता होगा, ठीक ना, पता भी होता है। चलिए अब इसी के साथ आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक ना, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ठीक ना घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो चाहे दूरी का जिक्र करे या फिर हमसे एंगल का जिक्र करे, दोनों केस में आपका आंसर वही होगा, वही आपको प्रोसेस लगाना है। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या हो जाएगा, इसमें जो गैपिंग आपको दिख रही है ठीक ना, जो गैपिंग आपको दिख रही है वो 2 घंटे की दिख रही है। तो यहाँ से देखिएगा, 1 घंटे में अगर आप मिनट का जिक्र करेंगे तो वो 60 डिग्री ठीक ना, 60 मिनट में
और इसी से 2 से आप गुणा कर देंगे तो टोटल आपको मिनट पता चल जाएगा, ठीक ना। 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट मिनट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां से देखिएगा आधे डिग्री का कोण बनाती है, मतलब आप इससे भाग करवा दीजिए, तो इससे आप भाग करवा दें कितना आपको मिल जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक ना। जो आपकी आवर्स वाली, ठीक ना, जो घंटे वाली सुई होगी वो आपकी, ठीक ना, कितनी दूरी तय करेगी, तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज पता होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखना आपको 2 से 4 के बीच में, ठीक ना, कितना घंटे हैं, तो आपको पता है कि 2 घंटे का डिफरेंट है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 से गुणा करा देंगे तो 120 आपको मिल जाएगा। और फिर ये भी आपको पता है कि जो अभी हमने, ठीक ना, डिस्कस किया कि जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना, तो आधे डिग्री का मतलब 2 से आप भाग करा देंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, ये 60 डिग्री। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट वाली सुई कितना दूरी तय करेगी। तो आपको पता है कि मेरे भाई मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में, ठीक ना, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में, ठीक ना, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहां से देखिएगा 120 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप इसी में 6 से क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो कंप्लीट आपको पता चल जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 720, ठीक ना, 6 से आप इसमें गुणा करा दीजिएगा तो ये कितना आपको मिल जाएगा, 720। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक ना, सही हो जाएगा। 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो टोटल आपके पास मिनट की संख्या कितनी है, मिनट की संख्या आपके पास कितनी है, 120 है, तो 120 में आप 6 से गुणा करा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, दूरी जो आपकी मिनट वाली सुई होगी वो कितना दूरी तय करेगी, 720 डिग्री, ये आपकी क्या, ठीक ना, दूरी तय करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे, ये भी आपका है, ठीक ना। यहाँ से आपका दिया गया है कि 12 से 3 बजकर 45 मिनट में आपको बताना है कि जो घंटे वाली सुई होगी वो कितनी दूरी तय करेगी। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ से देख लीजिए, आपको पता है कि ये जो डिफरेंट आपको मिल रहा है वो कंप्लीट 3 घंटे और कितने मिनट का मेरे भाई, 45 मिनट का। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और प्लस 45। अब यहां से देखिएगा 180 और ये 45, इसी में आप जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट आपको कितना मिल जाएगा, 225। बातें समझ रहे हैं, ये टोटल आपका क्या आ गया मेरे भाई, मिनट आ गया ना, ये क्या आ गया, मिनट आ गया। अब यहां से देखिएगा हमसे क्या पूछा है, वो हमसे ये पूछा है कि जो आपकी घंटे वाली सुई होगी, ठीक ना, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता है कि वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, प्रति मिनट हाफ। इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 225 का आप इसी में गुणा करा दीजिए, इससे आपका कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 और ये 5, मतलब यहाँ से जो आपकी घंटे वाली सुई होगी वो कितनी दूरी तय करेगी ना, तो 112.5 दूरी वो क्या करेगी, तय करेगी। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन हमसे ये कह देता है कि आप बताइए मिनट वाली दूरी, मिनट वाली जो सुई है वो कितनी दूरी तय करेगी। तो मिनट वाली जो सुई होगी मेरे भाई, उसी में आप क्या कर देंगे, 225 आपके पास क्या है, मिनट है, इसी में आप 6 से गुणा करा दीजिए तो कंप्लीट कितना जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनट वाली सुई तय करेगी उतनी दूरी, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो बेसिक आपका था जो कि हमने आपको समझाया, अब यहां से देखिएगा उसी से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगे। यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि 7 बजकर 30 मिनट, 7 बजकर 30 मिनट हो रही हैं, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7 बजकर, ठीक ना, कोई घड़ी है आपके पास, उसमें 7 बजकर 30 मिनट हो रहा है, तो आपको बताना है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा। यहां से देखिएगा मेरे भाई, मैं आपको एक फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ कि आपका क्या हो जाएगा, 7 है, ठीक। तो 7.5 के कंडीशन में आपको पता है कि ये मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी और जो आपकी मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ पे होगी, और ये जो आवर्स वाली सुई ये आपकी मिनट हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, घंटे वाली सुई। अब हमें आपको बताना है कि इसके बीच वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है
इन दोनों सुइयों के बीच में ये जो बीच वाला कोण होगा इसी के बारे में आपको बताना है कि वो कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ से देखिएगा, एक छोटा से हम आपके सामने फार्मूला लिखते हैं, यही आपका क्या है ट्रिक भी है, इसी के माध्यम से आपको लगाना है। और बाकी आप, हमने आपको बताया बेसिक अप्रोच, आप घंटे वाली सुई निकाल लीजिए एंगल, और मिनट वाली सुई निकाल के वहां से आप चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन अब इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता एग्जाम में, तो यहाँ से देखिएगा एंगल से रिलेटेड हम एक फार्मूला लिख दे रहे हैं। इस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा एंगल से रिलेटेड, आप पुट करिएगा, ठीक ना, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आपका, ठीक ना, कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है, 60 आवर्स, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं मिनट, और अपान में क्या करा देते हैं, हम 2 से भाग करा देते हैं। अगर चाहेंगे तो इसका हम आप लोगों को प्रूफ भी दे देंगे, ठीक ना, ये चीजें कहाँ से, ठीक ना, बनी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग जानिए कि हम क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए साहब, यहाँ से देखिएगा, ये जो यच लिखा है इसका मतलब घंटे वाली सुई का जिक्र किया है, यहाँ पे जो मिनट यम लिखा है ये मिनट को शो करता है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जो यच है इसके स्थान पे आपको क्या रखना है, घंटे वाली सुई, घंटा वाली सुई कितना कह रहा है हमसे, ठीक ना, 7। फिर यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और यम कितना, 30 मिनट हमसे कह रहा। यहाँ से देखिएगा, और 2 से हम इसी में क्या करवा देंगे, भाग करवा देंगे। इधर आ जाइए आप लोग, तो यहाँ पे देखें, तो इसी में आप गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 42। डिफरेंट निकाल देंगे, 11 3 35, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक ना, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अंतर आप लोग निकालिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ से देखिएगा, ये 90, बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2। 2 से आप लोग काट दीजिए तो ये कितना आपको मिल जाएगा, 45 ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो इसमें से आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और आप सीखिए, जैसे यहाँ से हमसे ये कह रहा है, ठीक ना, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, तुरंत क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं टिक करके चले आएंगे, और वो जब आंसर की आती है तो वहां पे मिलाते हैं, ठीक ना, फिर हाथ को सर पे रख के, ठीक ना, सोचते हैं कि गलती हमने कहाँ कर दिया। यहां से देखिएगा, जब भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे घड़ी में, जैसे आपने देखा ये आपके पास क्या है, एक घड़ी है, और हमने कुछ इस तरीके से बनाया, और हमने आपको बताया कि ये हम ये बीच वाला, ठीक ना, एंगल हमको फाइंड करना है। एक चीज हमको ये भी बताइएगा मेरे भाई, जब ये अंदर वाला कोण आप ज्ञात कर रहे हैं तो इसके बाहर भी तो एक कोण बन रहा है, इसके बाहर भी तो एक कोण बन रहा है, और ये कंप्लीट आपको पता है कि 360 डिग्री कोण बनाता है। अगर ये आपका कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो इसके जो बाहर वाला कोण होगा उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, 360 -45 ना, -45, और इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 315, ठीक ना, 360 में से 45 डिग्री आप घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 315। तो ये जो बाहर वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, 315। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल निकालेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ना कि आपका क्या, डी, ठीक ना। तो कंफ्यूज आप एकदम मत होइएगा कोई भी, ठीक ना, घड़ी जैसे यहां से कह रहा है कि 7:30 में बताइए घड़ी के, ठीक ना, बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक आपका क्या होगा, एक नीचे वाला कोण मतलब एक छोटा कोण बनेगा, और एक क्या बनेगा, बड़ा कोण बनेगा। तो दोनों निकाल के चेक करना पड़ेगा आपको, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, आंसर को क्लिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है, चीजें क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ से ये कहा है, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, 45, और ये बाहर वाला जो कोण हो गया वो 315 डिग्री का। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन पे आ गए, इसमें आ गए,
लीजिए ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे वहां पे चीजों को। तो हमसे कुछ यही तो कहा था कि आपका कितना डिग्री का, 45 डिग्री, और इसके बाहर वाला 315 डिग्री का कोण बना रहा। अब यहां से देखिए आप, इसे कुछ नहीं करना आपको, जब भी आपको ये ऑप्शन दिखे इसमें आपको कितना 45 भी दिखाई दे रहा है और 315, फिर 45 315, ये दो ऑप्शन रिपीट हो गए। मान लीजिए एक को हम 90 कर देते हैं ना, और दूसरे को हम 180 डिग्री बना देते हैं, ये आप कुछ इस तरीके से ले लीजिए। ऑप्शन इधर उधर हो गया लग रहा। चलिए फिलहाल समझ लीजिए आप लोग, ये आपके पास क्या है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो उस केस में हम लोग, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, तो हम हमेशा छोटे वाले कोण को प्रेफर करते हैं। आप 300, ठीक ना, 15 पे क्लिक ना करके किस पे आप क्लिक करेंगे, 45 डिग्री पे आप क्लिक करेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ना कि आपका क्या हो जाएगा, 315। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले कोण को हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम कुछ ऑप्शन इधर उधर हो गया है, चलिए फिलहाल इसको हम क्या कर देते हैं, ये आपका क्या 45 डिग्री, इसको हम बना देते हैं ना, और ऑप्शन मेरे भाई कुछ चेंज हो गया है जी। मान लीजिए ये आपका सी वाला ऑप्शन हम 315 डिग्री बना दे रहे हैं, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला, इसको आप ए कर लीजिए, ये आपका ए हो गया। जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दें तो उस केस में आपका ऑप्शन ये होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक ना। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जब जब भी दोनों कोण आपको दिया गया हो, आंतरिक कोण मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल कोण दिया गया हो, तो जो सब दोनों में जो छोटा कोण होता है पहले प्रेफर हम उसको करेंगे, ठीक ना। अगर ऑप्शन में दोनों कोण दिया गया है और एक ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि ए और बी दोनों या ए और सी दोनों, तो हम हमेशा प्रेफर दोनों कोण को देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कह रहा है कि इसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां से देखिएगा, हमसे कोण के बारे में पूछा है, तो वही आप फार्मूला तुरंत आप पुट कर दीजिए, क्या आपके पास है, 60 डिफरेंट निकाल लेंगे, 11 एम अपान में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2। यहां से देखिएगा कितने बजने का जिक्र कर रहा है, 5 बजने का जिक्र कर रहा है, और मिनट कितना है आपके पास, 10 मिनट है, बटे में क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 300, और ये आपका क्या हो जाएगा, 110, बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको घटाएंगे यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ही आप यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, इसे आप घटाइएगा 1 मिनट, ये आपका 0 हो जाएगा कैरी ना, ये, और 2 से आप इसको भाग करा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिएगा, 9 दुनी 18 और ये 5, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई।